लेडीज और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है, 6 सिलाइयों का डिजाइन है। जब भी आप इस डिजाइन के लिए फंदे डालें तो 15 के हिसाब से फंदे डाल के और 4 फंदे प्लस कीजिएगा। जैसे 15 फंदे गिनिएगा, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, लास्ट में आपके 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। 15+4 के मल्टीपल फंदे डाल के आप इस डिजाइन को बना लीजिएगा। इसके अंदर मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना है। लेडीज और गर्ल्स के ऑल प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। आप इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ आप इसको इतना डिजाइन ये बना लीजिएगा, और पूरे कार्डिगन में डालें तो जैसे मैंने बटन पट्टी के साथ इसको एडजस्ट किया है, ऐसे ही बटन पट्टी के साथ बुन के इस पूरे डिजाइन को आप पूरे कार्डिगन में लेडीज और गर्ल्स के डाल सकते हैं। तो इस डिजाइन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। बॉर्डर बनाइए या स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट में डालिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे, तो जितने फंदे डालेंगे इतने धागे को हम डबल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 34 यानी 34 फंदे डालूंगी, 15 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे। तो इस तरह से नोट लगा के ये इतना धागा मैंने इस तरह से डबल किया है। अब इस तरह यहाँ पे नोट लगाएंगे और एक फंदा बना लेंगे। फंदे हम यहाँ पर डिजाइनर डालेंगे, तो देखिए किस तरह से डालेंगे। ये डबल धागा है, ये सिंगल धागा है। सिंगल धागे को उंगली पे करेंगे और डबल को अंगूठे पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये डिजाइनर फंदे डालना बताऊंगी। तो यहाँ से सिलाई लेंगे और ये सिंगल धागा है, इसके नीचे से ऐसे फंदा बना लेंगे इस तरह। एक बार हमने ऐसे धागा किया है, अब की बार हम देखिए ऐसे फर्स्ट फंदा ऐसे करके डाल लेंगे, सेकंड फंदा ऐसे करके अंदर की तरफ वाले डबल धागे में से फंदा ऐसे बनाएंगे। ये फंदे जोड़े के हिसाब से डलते जाएंगे इस तरह से। तो डबल धागे को ऐसे अंगूठे पे कीजिएगा, एक बार यहाँ से सिंगल का फंदा बनाएंगे, फिर दूसरी बार ऐसे धागे को करेंगे अंदर की तरफ जो धागा है डबल, इसके नीचे से सिलाई डाल के सिंगल का फंदा बना लेंगे। ऐसे ये जोड़े के हिसाब से डिजाइनर फंदे डल जाएंगे। एक बार यहाँ से ऐसे, दूसरी बार ऐसे करेंगे अंगूठे को अंदर की तरफ से, अंदर वाले धागे डबल है जो, उसमें से फंदा बनाएंगे। एक बार यहाँ से, दूसरी बार इसको करेंगे तो ऐसे करेंगे अंदर की तरफ जो डबल धागा है इसमें से सिंगल का फंदा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से जोड़े में फंदे डल जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर 34 फंदे डाल लीजिए। तो देखिए ये फंदे मैंने डाल लिए हैं, 15 के मल्टीपल 30 और 4 फंदे प्लस, 34 फंदे डाले हैं, डिजाइनर हैं। अब इसको देखिए उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को हम ऐसे यहाँ पर उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को एक सिलाई फंदे डालने के बाद उल्टे उल्टे बुन लीजिए। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लीजिए। फिर हम सीधी तरफ से डिजाइन को डालेंगे। तो रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब यहाँ से हम डिजाइन पैटर्न शुरू करेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर से ये हमारे डिजाइनर फंदे डले हैं। अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट फंदा एच स्टिच है, इसको सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से डिजाइन डालेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम एक एक्स्ट्रा फंदा इस तरह से बुनेंगे, ऐसे सीधा फंदा बुन लिया। अब देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 फंदे सीधे एच स्टिच, 2 उल्टे, 1 एक्स्ट्रा फंदा सीधा बुना, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदों का एक फंदा ऐसे 3 में सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे।
फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, अब फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और यहाँ से फिर से एक फंदा यहाँ से डाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, और एक्स्ट्रा फंदा बुन लेंगे इस तरह। अब देखिए एच स्टिच को छोड़ के दो उल्टे, एक एक्स्ट्रा फंदा, तीन फंदे सीधे, दो उल्टे, तीन का एक, दो उल्टे, तीन सीधे, एक एक्स्ट्रा, तो टोटल गिनिएगा एच स्टिच को छोड़ के दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, टोटल 15 फंदों का डिजाइन है, इन्हीं को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक्स्ट्रा फंदा यहाँ से बुनेंगे इस तरह से, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, टोटल ये चार फंदे बन गए, एक हमने एक्स्ट्रा बुना, तीन फंदे सीधे, टोटल चार, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर तीन फंदों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, तीन फंदों का एक फंदा बुन लेंगे, तीन का एक उल्टा, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, अब फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे इस तरह, दो डिजाइन कंप्लीट हुए। देखिए जो यहाँ पर हमने जैसे तीन का एक फंदा किया है तो दो फंदे कम हुए हैं, एक फंदा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बुना, एक फंदा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बुना, तो फिर से ये फंदे इक्वल हो गए। धागा अपनी तरफ, लास्ट में तीन फंदे होंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एच स्टिच फंदा सीधा, तो डिजाइन की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ सेकंड रो, फर्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे, सेकंड रो रोंग साइड। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो फंदा आपको जैसा नज़र आएगा उसको वैसा ही बुनते जाएंगे। तो ये दो फंदे यहाँ से सीधे थे तो यहाँ से सीधी तरफ से उल्टे थे तो यहाँ से सीधे बनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। अब देखिए एच स्टिच को छोड़ के यहाँ तक सभी फंदे इसी तरह से बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, टोटल 15 फंदे हैं, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, पांच फंदे फिर सीधे, चार फंदे फिर उल्टे, इन्हीं को रिपीट करते हुए फिर से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे, तो दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, अब चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे, अब पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, दो रिपीट कंप्लीट हुए, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तो दो सिलाइयां डिजाइन की बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे,
धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए दो फंदे उल्टे, एक दो, अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से फिर से एक्स्ट्रा फंदा उठाएंगे, तो यहाँ देखिए इस तरह से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बुन लेंगे ऐसे। अब ये चार फंदे हैं जो सीधे, इनको सीधा ही बनाएंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर तीन का एक करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदों में सिलाई डालेंगे, तीन का एक फंदा बुन लेंगे इस तरह से। जो तीन का एक हुआ है, यहाँ पर दो फंदे कम हुए हैं तो एक फंदा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बुना था, एक आगे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये चार फंदे हैं, इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी धागा पीछे ही रखेंगे और यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे इस तरह से, सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। एज स्टिच को छोड़ के इन्हीं टोटल 15 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ से एक्स्ट्रा बनाएंगे इस तरह। फिर ये चार फंदे हैं, इनको सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, तीन फंदों में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और तीन का एक उल्टा फंदा बना लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और ये चार फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर एक फंदा यहाँ से एक्स्ट्रा बना लेंगे। तो दो रिपीट हमारे कंप्लीट हुए। अब आज ये लास्ट में तीन फंदे दो उल्टे बनाएंगे ऐसे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, तीन सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई। अब आ जाइए उल्टे तरफ चौथी सिलाई। यहाँ से आपको अलग से नजर आएगा, जो फंदा जैसा बुना हुआ है उसको वैसा ही बनाएंगे। एच स्टिच उल्टा है, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ये दो सीधे नजर आएंगे, इनको सीधा बनाएंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर देखिए ये पाँच फंदे उल्टे हैं तो इन पाँच को उल्टा बनाएंगे, दो तीन चार पाँच, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर ये तीन फंदे आपको सीधे नजर आएंगे तो इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से ये यहाँ पर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, फिर से पांच फंदे उल्टे, उल्टी तरफ से जो फंदा आपको जैसा नजर आए उसको वैसा ही बुन लीजिए। बहुत आसान डिजाइन है, इसको लेडीज और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आप इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, स्वेटर में, जैकेट में, गर्ल्स फ्रॉक में, आप इसको आसानी से बुन सकते हैं। सिर्फ 6 सिलाइयों का डिजाइन है और बहुत ही आसान डिजाइन है। पहले आप जब भी प्रोजेक्ट में डिजाइन डालें तो थोड़े फंदों में डाल के इसी तरह से आप बुनना सीखिएगा, फिर आप इसको प्रोजेक्ट में डालिएगा तो बुनने में बहुत ही आसानी होगी। तो चार सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए पांचवी सिलाई सीधी तरफ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से पांचवी सिलाई को कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा एच स्टिच है, सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे यहाँ से, बुन लिया। अब ये पांच फंदे हैं सीधे, इनको सीधा बुनेंगे, एक
2 3 4 5 धागा अपनी तरफ करेंगे। अब बीच में तीन फंदे उल्टे हैं तो तीन के अंदर सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और तीन का एक उल्टा फंदा ऐसे बना देंगे इस तरह। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये सीधे फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये तीन का एक किया है, यहाँ पर दो फंदे कम हुए हैं तो एक फंदा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बुना था, एक यहाँ पे बना लेंगे ऐसे। तो देखिए 15 फंदों का डिजाइन बन के कम्प्लीट हुआ। अब फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे 1 2, धागा पीछे करेंगे। अब फिर से एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। अब ये 5 फंदे हैं सीधे, इनको सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच में तीन फंदे हैं, इन तीन में सिलाई डाल लेंगे और तीन का एक उल्टा फंदा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से एक फंदा एक्स्ट्रा बना लेंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ, लास्ट में तीन फंदे हैं, 2 उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो 5 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं और डिजाइन इस तरह से बन के आया है। अब 6ठी सिलाई फिर से ऐसे ही बुनेंगे, जो फंदा यहाँ पर आपको जैसे नज़र आएगा उसको वैसा ही बना लेंगे। एच स्टिच है उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 6ठी सिलाई रॉन्ग साइड। अब ये 6 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, 1 फंदा यहाँ पर सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से ये 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे, 2 सीधे, सीधे फंदे हैं सीधे बुनिएगा, उल्टे नज़र आते हैं तो उनको उल्टा बुनिएगा। बहुत ही इजी डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही प्यारे से सुंदर से इसकी लुक बन के आती है। लेडीज गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 6 सिलाइयों का डिजाइन है और बहुत जल्दी से बन के आता है। धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट में 3 फंदे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। तो देखिए 6 सिलाइयों में इस तरह से डिजाइन बनना हमारा शुरू हो गया। बहुत ही इजी डिजाइन है और बहुत सुंदर डिजाइन बन के आता है। अब इसको दोबारा से जब आप स्टार्ट करेंगे तो 1 सिलाई से लेके और 6 सिलाई तक टोटल इन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे। तो इसको मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको दोबारा डिजाइन डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एच स्टिच फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा यहाँ से एक्स्ट्रा बुनेंगे इस तरह, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 का एक करेंगे। ये बीच वाला 3 का एक है, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके 3 का एक। दोबारा से हमारी फर्स्ट रो बननी शुरू हुई है। दोबारा से डिजाइन में डाल रही हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 फंदे फिर उल्टे, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा एक्स्ट्रा यहाँ से बुन लेंगे। तो एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1
दो धागा पीछे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे ऐसे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर तीन फंदे सीधे उल्टे, सॉरी तीन का एक, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर धागा पीछे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से एक फंदा एच स्टिच यहाँ से एक्स्ट्रा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, दो रिपीट कंप्लीट हुए। अब लास्ट में है तीन फंदे, दो उल्टे बनाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए दोबारा से डिजाइन को मैंने स्टार्ट कर दिया और डिजाइन आपको नजर आने लग गया। रॉन्ग साइड से जो जैसा फंदा उसको वैसा ही बना लेंगे। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।